कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ 4 नवंबर फोर्थ शिफ्ट SBI PO प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के। बस छोटा सा 1-2 मिनट का वीडियो होने वाला है, बस पूरा एकदम क्या क्या पूछा गया था एग्जाम का, डिफिकल्टी लेवल, गुड अटेम्प्ट, सब कुछ के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का ही। तो इंग्लिश मेरा रीडिंग RC जो आया था ना, वो डाइट वगैरह को लेकर के था, 10 नंबर का था। ईरा डिटेक्शन अभी तक नहीं पूछा गया था, इसमें पूछ लिया गया है। 4 नंबर का पाला जंबल, 5 नंबर का व्हाट्सएप, सब में पूछा जा रहा है। 4 नंबर का फिलर इसमें पूछ लिया गया था, अभी तक फिलर देखने को नहीं मिला था। 3-4 नंबर का बाकी मीनिंगफुल वर्ड वगैरह बनाने पर था, 2 नंबर का था, ठीक है। और क्वांट का बात करते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3rd में भी पूछा गया, इस वाले में भी पूछा है, 5 नंबर का। रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ लिया गया, सीरीज पूछा जा रहा है, ठीक है। किसी में मिसिंग, किसी में रॉन्ग, 6 नंबर का। अर्थमेटिक का 8-9 नंबर था। कैसलेट इसमें 3 नंबर का पूछा गया था। और बाकी 13 नंबर का ना ये DI था, डाटा सफिशियंसी भी 3 नंबर का था, ठीक है। और DI टेबल चार्ट तो हो ही गया बस उसमें, ठीक है। रीजनिंग का बात करते हैं ना, रीजनिंग में वही पजल सिटिंग अरेंजमेंट था, 5 नंबर का था। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट 5 नंबर का था। अनसर्टेन वाला सारा शिफ्ट में पूछा जा रहा है, देख रहे हो, जिससे लोग भाग रहा था ना वो चीज़ हर एक में पूछता है, 4 नंबर का। फ्लोर फ्लैट बेस्ड 5 नंबर का था। सिलॉक्स इनिक्वलिटी इसमें भी पूछ लिया गया, 3-3 नंबर का। हाँ, इसमें ब्लड रिलेशन इस वाले शिफ्ट में नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इसमें ब्लड रिलेशन की जगह पर डायरेक्शन डिस्टेंस 3 नंबर का पूछ लिया गया। भाई टॉपिक वही है, किसी में ये किसी में वो करके पूछा जाता है। और मिसलेनियस 5 नंबर इसमें था, ठीक है। बात करते हैं गुड अटेम्प्ट का ना, तो रीजनिंग में जिनका भी 24+ अटेम्प्ट है गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। क्वांट में जिनका भी 18+ है ना गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। और इंग्लिश में जिनका भी 24+ अटेम्प्ट है ना गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। इस वाले शिफ्ट में ना जिनका भी 65+ अटेम्प्ट है गुड अटेम्प्ट की कैटेगरी में माना जा रहा है। क्योंकि ऐसा ये है ना कि रीजनिंग भी मॉडरेट था, क्वांट भी मॉडरेट था, और इंग्लिश को लेकर के थोड़ा सा ये है कि इजी टू मॉडरेट ऐसा माना जा रहा है। सब बच्चा लोगों का कहना है इंग्लिश जो था इजी से मॉडरेट था, इसलिए थोड़ा सा नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो ज़्यादा बढ़ गया है। आपका क्या कैसे रहा आप कमेंट जरूर करना, और क्या कैसे अटेम्प्ट पढ़ा है और सब कुछ एकदम, कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करना। चलो बाय बाय, टेक केयर।